नमस्कार, स्वागत है समुद्र नगरी में। और बात करने वाले हैं कि कॉमर्स के बाद हम मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, बहुत ही बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर अभी 12th कॉमर्स तो कर लिया है सर, अब कैडेट बनना चाहते हैं सर। ठीक है, तो देखो भाई, थोड़ा सा लेट हो गया सर्च करने में। आप अगर 10वीं के बाद ढूंढते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में या कैडेट बनना चाहते हैं करियर, तो बहुत ही अच्छा रहता आपके लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा लेट ढूंढा हुआ है। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, अगर आप वो चूज़ करते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन तो है ही आपके लिए। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स किया तो एंट्री नहीं कर, मर्चेंट नेवी में जा सकते हो आप। ठीक है, देखो सबसे एक ऑप्शन तो सबसे बेस्ट आपके लिए क्या, जीपी रेटिंग करना। जीपी रेटिंग आप 12th कॉमर्स में हो या 12th आर्ट से हो या 10th पास हो, सबके लिए एलिजिबल हैं आप जीपी रेटिंग करने के। लेकिन अभी आप एज अ कैडेट एंट्री करना चाहते हैं अगर इस फील्ड में, चाहे वो डेक कैडेट हो चाहे इंजन कैडेट, तो जैसे कि IMU की आप प्लेलिस्ट करेंगे, आप IMU CT के मैंने जो बना रखा है, मैंडेटरी है साइंस वालों के लिए। ठीक है, अब या तो आप अगर रिपीट करें फिर से 12th दें तो बात कुछ बनेगी, नहीं तो जीपी रेटिंग कंटिन्यू करके और आगे चल के अगर आप उसके थ्रू ऑफिसर बनना चाहते हैं एग्ज़ाम देके, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा नहीं है, बहुत है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो होता है बड़ा ही डिफ़िकल्ट है मेरे टाइम का, एक्चुअली वर्ल्ड के इस कंपेयर में मैं बात कर रहा हूँ, तो इंडिया में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, तो एग्ज़ाम पूरा क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आप पहले ही स्टेप ले लेते हैं 12th साइंस फिर से करेंगे और उसके बाद एंट्रेंस IMU CT क्लियर करके, उसके बाद आप अगर एज अ कैडेट कंटिन्यू करेंगे करियर, तो अच्छा होगा। नहीं तो दूसरा जो ऑप्शन है, आप कॉमर्स में हो या आर्ट से हो, 12th कोई टेंशन नहीं है, 10th बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, परसेंटेज भी कितना है कोई मैटर नहीं कर रहा है। 10th 12th में आपका 40+ होना चाहिए मिनिमम, बाकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है उतना, नॉर्मली 40+ तो रहता ही है। तो 40+ में के अगर थ्रू आप एडमिशन लेंगे, जीपी रेटिंग कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं कॉमर्स या आर्ट्स के बाद। ठीक है, आई होप सो कॉमर्स या आर्ट्स वाले स्टूडेंट को डाउट क्लियर हो गया होगा कि वो कैसे अपनी करियर स्टार्ट कर सकते हैं मर्चेंट नेवी फील्ड में। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।